रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो सरसों से है। जून के पहले हफ्ते तक मंडियों में सरसों की लगभग आधी फसल की खपत हो चुकी है। वहीं बिनौला में कारोबार लगभग समाप्त हो गया है। सरकारी संस्थाओं द्वारा सरसों की अपेक्षित खरीद नहीं हुई है और सरसों रिफाइंड का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। सरसों रिफाइंड को आयातित तेलों की कमी को पूरा करने के लिए अन्य तेलों के साथ मिश्रण के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, इस तेल को सीधा खाया जा सकता है और इसका प्रसंस्करण नहीं करना होता है। वहीं सरसों की अगली फसल में लगभग 8.5 महीने की देर है। वहीं बरसात और उसके बाद जाड़े में सरसों की मांग बढ़ना तय है और सरसों की पैदावार 20 से 25 लाख टन ही अधिक है। और जिस तरह से सोया सरसों रिफाइंड की खपत हो रही है उसे देखते हुए आगे जाकर सरसों की कमी होनी निश्चित है और इस कमी को आयात शुल्क कम करने या अन्य देशों से आयात कर पूरा नहीं किया जा सकता है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि देश की प्रमुख तेल संस्थाओं को सरकार को आगाह करना चाहिए था कि सरसों का रिफाइंड बनाने और इसके दुरुपयोग को पूरी तरह से रोका जाए, नहीं तो आगे जाकर सरसों के मामले में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। वहीं शिकागो और मलेशिया एक्सचेंज में तेजी की वजह से सोयाबीन तेल, तिलहन सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतों में मजबूती रही। मांग होने से बिनौला में भी सुधार है, हालांकि इसमें कारोबार समाप्ति की ओर है। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल, तिलहन कीमतों में भी सुधार आया है। वहीं विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ और पामोलियन जैसे कीमतों तेल की कीमतों में सुधार के साथ ये बंद हुए। बाकी तेल तिलहन के भाव पूर्ण स्तर पर ही बने रहे। बाजार सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 0.5% की तेजी है, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 1% की तेजी देखी गई है। सूत्रों ने कहा है कि मंडियों में सरसों की आवक निरंतर घट रही है, लेकिन आयातित तेलों के मुकाबले अब भी सरसों सस्ती है। सोयाबीन रिफाइंड का भाव लगभग 165 रुपये किलो है, जबकि सरसों तेल का थोक बिक्री भाव अभी भी 154 रुपये किलो है। वहीं खुदरा कारोबार में इसे MRP की आड़ में लगभग 210 रुपये किलो के भाव पर बेचे जाने की शिकायत मिल रही है और इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है।